हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डियर हुसैन। तो दोस्तों, ये मेरा नया नया चैनल है और मैंने नई नई वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। मैं आपको सभी दवाइयों के बारे में पूरा फुल डिटेल बताऊंगा, ठीक है? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक दवा का, हर एक मेडिसिन की जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो हम बात कर रहे थे DSR के बारे में। पहले तो हम जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला देखो, ये दो तरह से होता है। इसमें जैसा कि लिखा है यहाँ पे, ये है फार्मूला, ठीक है? ये है रिप्राजोल सोडियम एंड डोमपेरिडोन, ठीक है? तो ये एक होता है ये कैप्सूल DSR। इसको भी गैस्ट्रिक में यूज करते हैं, जैसे गैस बहुत ज़्यादा बन रही है या फिर दवाएं जब चलती हैं, एंटीबायोटिक चलती है, पेट में जलन ना हो, तो उसके लिए ये दवा दी जाती है, ठीक है? ये अक्सर अडल्ट या फिर जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है उनको दिया जाता है। इसका एक फार्मूला आता है, यहाँ जो रिप्राजोल है वहाँ पर रहेगा पेंटाप्राजोल, ठीक है? और बाकी सारे चीज़ें सेम रहेगी, डोमपेरिडोन वगैरह सब सेम रहेगा, बस पराजोल की जगह पेंटाप्राजोल रहेगा, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का लगभग काम एक ही होता है। तो देखो इसमें होता क्या है, जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उसको ये दिया जाता है, ठीक है? अब जैसे कि मान लीजिए जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको सुबह शाम खाली पेट देते हैं, ठीक है? सुबह शाम खाली पेट मतलब सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से पहले। और जिसको प्रॉब्लम नहीं है फिर भी अडल्ट है, थोड़ा बहुत उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, तो उनको सुबह शाम देते हैं, ठीक है? हमारी डॉक्टरी लाइन में बोलें तो BD, ठीक है? और अगर जैसे कि ये वीडियो मैं सिर्फ अपने मेडिकल स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, जो पैरामेडिकल कर रहे हैं या फिर MBBS कर रहे हैं या फिर कोई भी जो डॉक्टरी लाइन से जुड़ा हुआ है, मेडिसिन लाइन से, मेडिकल लाइन से जुड़ा है, उन सब के लिए ये वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है? और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस कैप्सूल के बारे में जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और किसी किसी में होता है कि ये देखो, ये चीज़ें जो होती है किसी किसी में ऐसा होता है, और किसी किसी में इसी के ऊपर भी छपा होता है DSR, ठीक है? तो इससे आपको आसानी होगी। और किसी किसी में तो ऐसे सिंपल ही होता है जैसे कि अभी इसमें है। तो ये छोटी सी वीडियो, छोटी सी जानकारी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? चलिए अब इसके बारे में और थोड़ा आपको बता देते हैं। ये जो होता है, ये कैप्सूल जो हमारे पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए, ये मैं बता रहा हूँ खास करके कि यहाँ पे देखिए, ये जिलेटिन कैप्सूल होते हैं, ठीक है? जो क्योंकि पैरामेडिकल में क्वेश्चन में अधिकतर आता है। यहाँ पे देखिए आपको लिखा है, एक मिनट अच्छे से दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एच हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कॉन्टेंट्स, ठीक है? मतलब ये हार्ड जिलेटिन के बने होते हैं, इनके ऊपर जो कवर होता है वो हार्ड होता है, तो इसलिए इनको वर्क करने में कम से कम 30 मिनट लगता है। कितना? 30 मिनट, या ठीक है 20 से 30 मिनट लगता है इनको काम करने में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप सभी को प्यारा लगा हो, तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और सभी को मिल सके। और बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे उसका क्या बोलते हैं, रिप्राजोल की कितनी मात्रा है, डोमपेरिडोन की कितनी मात्रा है, यहाँ पे देख सकते हैं हम सब सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा वो नहीं है, बाकी इसका यूज क्या है मेन, अगर आप हॉस्पिटल लाइन में देखोगे तो इसका सिर्फ यूज क्या है वो ज़्यादा मायने रखता है। और हाँ, अगर आप पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं, उसमें एग्ज़ाम वगैरह देना है, तब आप
ज़्यादातर इन पे ये इस पर फोकस करेंगे, इसके फार्मूले पे फोकस करेंगे और ये कितना कितना इसमें दिया गया है मात्रा उस पे, ठीक है। तो इन सब से पे ज़रूर फोकस देना। और बाकी कंपनी का नाम से कोई इशू नहीं होता, क्योंकि कंपनी तो सबकी अलग अलग होती है। जैसे इसमें ये इसकी अलग दे रखा है रेवेन्यू DSR, ठीक है। वैसे ये पेटेंट दवा तो नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जर्निक है। बाकी पेटेंट भी आते हैं, जैसे मैनकाइंड कंपनी हो गए, इन सब का पेटेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना होइएगा। तो इसी के साथ ये छोटा सा वीडियो हम लोग एंड करते हैं।